नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 5 से 7 चरण में हो सकता है पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने की विभिन्न मुद्दों पर बैठक। संवाददाता विकास कुमार बब्बू की रिपोर्ट। रांची राज्य में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 5 से 7 चरण में चुनाव कराने की उम्मीद है। संभावना है कि जल्दी आयोग चुनाव का औपचारिक ऐलान करेगा। सोमवार को पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने उच्च स्तरीय बैठक राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। हाई लेवल इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में 5 से 7 चरण में चुनाव कराने की समीक्षा की गई। इसके अलावा चुनाव त्योहारों के बाद कराने पर भी चर्चा हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी के नेतृत्व में इस बैठक में पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा, आईजी अभियान एवी होमकर ने सभी जिलों के डीसीएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और विधि व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती का भी आकलन किया गया। सभी जिलों में आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा बलों की मांग की गई, साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर भी चर्चा की गई। राज्य गठन होने के बाद तीसरी बार होगा पंचायत चुनाव। झारखंड में काफी जद्दोजहद के बाद वर्ष 2000 में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए। बाद में 2015 में एक बार फिर गांव में सरकार बनी, जिसमें राज्य भर में 4402 मुखिया, 545 जिला परिषद सदस्य, 5423 पंचायत समिति सदस्य, 54330 ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। वर्तमान में झारखंड में कुल 32,660 गांव हैं, जिसके निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही समाप्त हो चुका है। पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से वंचित होने का खतरा है। इसलिए राज्य सरकार हर हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने की सोच रही है। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने, खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है।